आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बोट एडोप्स 161। ये आपको 900,000 के अंदर देखने को मिलते हैं और 2 साल पहले लॉन्च हुए थे, लेकिन 2 साल के बाद भी अभी भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो हर महीने 15,000 से ज्यादा लोग इसे मंगवा रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या बात है वो चेक करेंगे। और उसके अलावा मैं एक और चीज बोलूँ, इसमें मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे कि कैसे इसमें आप पार्टिसिपेट करके इसे जीत सकते हो। बट उससे पहले बात करेंगे इसके डब्बे में क्या मिलेगा। इसके डब्बे में आपको TWS रखे हुए मिल जाएंगे, टाइप सी केबल मिलेगी और साथ में बबलियां मिल जाएंगी। बबलियां ये पीसीस को बोलता हूँ, अलग अलग साइजेस की मिलेंगी, बड़े और छोटे, अब डिपेंड करते हैं आपको कौन सा साइज पसंद है। क्या कह रहा चूतिया। उसके अलावा इसमें आपको एक और मिलेगा कार्ड्स भर भर के मिलेगा, मुझे नहीं पता इतने सारे कार्ड्स क्यों दिए। और साथ में स्टिकर्स मिल जाएंगे, एक मैनुअल मिल जाएगा जो कि हमें जरूरत नहीं ना ही आपको पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें पता लगने वाली है। उसके बाद मैं इसके बिल्ड एंड क्वालिटी की बात करूं तो मैं बोलूं बिल्ड एंड क्वालिटी इस चीज का काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें प्लास्टिक काफी अच्छा यूज हुआ और हैवी बिल्ड है, ऐसे नहीं बेकार सा बिल्ड है। साथ में इसका ढक्कन भी काफी ज्यादा टाइट है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बंद हो जाएगा अगर आप इसे हिलाओगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैग्नेट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ईयरबड्स जो है वो बाहर नहीं निकलते केस से अपनी मर्जी से। उसके अलावा नीचे की ओर इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, बगल में एक नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी और जो बाकी ओवरऑल लुक है काफी ज्यादा सही है। और वहीं पे जो इसके ईयरबड्स है उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी, शेप कहीं ना कहीं एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह देखने को लगता है। और इसमें कोई भी गेमिंग मोड आपको मिलेगा नहीं, बट उसके अलावा मैं बात करूं इसे साउंड क्वालिटी की तो काफी अच्छा है। साथ ही में इनबिल्ट माइक मिल जाएगा और इसमें टच सेंसर भी मिलेंगे, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। जल्दी से बात करें इसके फीचर्स की, तो देखो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था तो ऑब्वियसली फीचर्स थोड़े से तो पुराने होंगे। इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.1 का वर्जन है। हाल ही में आपको पता है ब्लूटूथ 5.3 चल रहा है लेकिन इसमें 5.1 है, बट कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। IPX5 की रेटिंग मिलेगी, वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत तो है, ज्यादा पानी में मत डालना वरना भीग जाएगा। और इसमें बैटरी बैकअप की बात करें तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी 10 मिनट चार्ज करने पे 180 मिनट तक का बैटरी बैकअप आप इससे क्लेम कर सकते हो। ये कंपनी बोलती है, मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, बट 180 मिनट 3 घंटे का राउंड होता है, तो आप थोड़ा सा कम कर लो 2 घंटे का राउंड तो आपको 10 मिनट चार्ज करने पे मिल ही जाएगा बैटरी बैकअप। इसका जो ओवरऑल बैटरी बैकअप है वो 40 घंटे का, यानी अगर आप इसे केस के साथ यूज करोगे तो 2-4 बार तो आप आराम से इसे चार्ज कर सकते हो केस के साथ, तो अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाता है। बट आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो देखो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा इजी है, बस आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ऑब्वियसली। बट वहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली है, वहां पे जाके आपको कमेंट करना है बबलियां। अब देखो मैं आपको इंस्टाग्राम से ही अप्रोच कर सकता हूं। और एक और चीज, अगर आपको कोई भी बंदा मेरे नाम पे या किसी और के नाम पे कभी भी पैसे मांगता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट से आपको मैसेज आ रहा है कि मुझे पैसे दे दो, मैं आप गिव अवे जीत चुके, तो प्लीज कभी मत देना, मैं आपसे कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक डिलीवरी होगी इस चीज की। तो वहां पे जाके बस आपको उस पोस्ट पे बबलियां लिखना है, बबलियां किसी भी हिसाब से लिख सकते हो, बड़ी छोटी बबलियां आपकी मर्जी है, और रैंडमली कोई भी अगर कमेंट में उठा लूंगा और वो हो सकता है गिव अवे जीत जाए। अब देखो सबसे बड़ी बात, हो सकता है 10 बंदे कमेंट करे, हो सकता है सिर्फ 1 बंदा कमेंट करे, अगर 1 बंदा करेगा तो ऑब्वियसली ये उसी को मिलने वाला है। अगर 10 करेंगे तो 10 में से कोई एक रैंडमली उठा लूंगा मैं और उसको मिल जाएगा। अब उसके बाद आगे बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। देखो साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, लाउड है, बेस काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको बेस पसंद है तो आपके लिए काफी अच्छी चॉइस रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुनने की आदत है, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सुनते हो तो वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें बेमतलब से बेस ही बना देता है, काफी लाउड कर देता है चीजों को। तो अगर आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में इसमें आपको टच सेंसर्स भी मिल जाएंगे, जिसपे अगर आप सिंगल टैप करोगे तो प्ले पॉज कर सकते हो, डबल टैप पे आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। ये तो बेसिक सी चीज है। तो मैं बोलूंगा ईयरबड्स की क्वालिटी अच्छी, फिटिंग भी मैं बोलूंगा ठीक ठीक है, बट कहीं ना कहीं कान में चुभ जाते हैं थोड़े बहुत, हो सकता है आपको ना चुभे बट मेरे कान में हल्के फुल्के से लग जाते हैं। बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो सिर्फ बेस के मामले में काफी ज्यादा सही है। अगर आप अलग तरह का म्यूजिक सुनते तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन एक और TWS का मैंने रिव्यू किया है जिसका नाम है मीवी डुओ पॉड्स i2, वो 1000 रुपए के अंदर आता है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और वो भी काफी अच्छे TWS है। और अगर आपको वो परचेज करना है तो उसे भी परचेज कर सकते हो। और यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।